Infinix 12i smartphone is totally an amazing smartphone for all those who have a limited budget of rupees 10k only. बजट सेगमेंट में ये फोन एक अच्छा ऑप्शन है कि नहीं इस वीडियो में पता चल जाएगा आपको, इसलिए देखते रहिए DTV का ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव एंड यू आर वाचिंग DTV, इंडियाज ओनली 360 डिग्री टेक न्यूज प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, इन्फिनिक्स नोट 12i इंडिया में लॉन्च हो चुका है और मेरे पास भी ये फोन आ गया है रिव्यू के लिए। इसका रिव्यू बहुत ही मजेदार होने वाला है और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके कुछ फीचर्स है जो मुझे बहुत ही पसंद आने वाला है, इसका मैं टेस्ट करूंगा और रिव्यू करके आपको बताऊंगा कि वो फीचर कौन से थे। वैसे तो इन्फिनिक्स के फोन अच्छे ही होते हैं क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सभी इन्फिनिक्स के फोन का रिव्यू किया है और बहुत ही कम फोन में कुछ इश्यूज और चैलेंजेस देखने को मिले हैं। और इन्फिनिक्स का फोन हमेशा अफोर्डेबल फोन होता है विद द लेटेस्ट एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड इन दिस स्मार्टफोन। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप हमारे चैनल पे पहले बार आए हैं। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद मिलता रहे। अभी सबसे पहले इस फोन की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और फिर चेक कर लेंगे कि इस फोन में नया क्या है, आपको मिलता क्या है, डिजाइन क्या है और प्राइसिंग क्या है। दोस्तों, यह है Infinix Note 12i स्मार्टफोन और इसकी पैकेजिंग एज यूजुअल कॉमन है जो कि Infinix के सभी फोन्स में देखने को मिलती है। सामने मॉडल नंबर लिखा हुआ है और AMOLED 6.7 इंचेस फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है इसमें आपको। दोस्तों, इस फोन पर जियो एक्सक्लूसिव ऑफर भी है जिसमें आपको ₹1000 का फ्लैट कैशबैक मिल सकता है। इस ऑफर की पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलता है। बॉक्स में आपको Note 12i हैंडसेट मिल जाता है, इसके अलावा आपको USB 2 टाइप सी चार्जिंग केबल मिलता है, सिम ट्रे इजेक्टर पिन मिल जाता है, एक 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर भी मिल जाता है, साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, एक्स क्लब कार्ड एंड सिलिकॉन मोबाइल कवर भी मिल जाता है आपको। दोस्तों, ये फोन अंडर 10K होने के बावजूद भी डिजाइन के मामले में एक प्रीमियम फोन के जैसा दिखता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड फिनिशिंग भी काफी शानदार है। ये फोन 7.8 mm थिन और 188 ग्राम लाइट वेट है जो कि बहुत ही बढ़िया कॉम्पैक्ट डिजाइन में बनाया गया है इसको। इसका बिल्ड मटेरियल भी पॉलीकार्बोनेट का है तो आपको टच फील भी ऐसा लगता है जैसे कि आप ग्लास को टच कर रहे हो। इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको। बता दूं कि ये आपको टोटल 3 कलर ऑप्शंस में मिल सकता है, यानी आप फोर्स ब्लैक, अल्पाइन व्हाइट एंड मेटावर्स ब्लू में परचेस कर सकते हैं। मेरे पास फोर्स ब्लैक कलर है और इसमें फोन का लुक काफी डिसेंट लग रहा है। दोस्तों, फोन में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है, डुअल 4G नैनो सिम और माइक्रो SD कार्ड के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है आपको, 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिलता है इस फोन में, डुअल स्पीकर है इसमें विद DTS इफेक्ट्स, एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और OTG का भी सपोर्ट इस फोन में दिया गया है आपके कन्वीनियंट के लिए। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले जो आपको इस फोन में यानी Note 12i में मिल जाता है वो 6.7 इंचेस का, यानी आपको फुल HD AMOLED डिस्प्ले 6.7 इंच का मिल जाता है और इसका रिजोल्यूशन जो आपको मिलता है वो 1080x2400 पिक्सल्स HD क्वालिटी वीडियो आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं। आपको वेजल लेस ड्रॉप नॉच डिस्प्ले भी मिल जाता है इसमें, यानी आपको मिलता है 92% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसमें मिल रहा है। DTS साउंड फीचर ऐड होने की वजह से मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा मिलने वाला है आपको इस फोन में। इस कैटेगरी में एंटरटेनमेंट फ्रेंडली स्मार्टफोन्स कम ही देखने को मिलते हैं जिनमें आपको AMOLED फुल HD डिस्प्ले और पावरफुल साउंड दोनों मिल जाए, बट Infinix का ये फोन आपको काफी अच्छा वीडियो और साउंड एक्सपीरियंस दे सकता है अगर आप इस फोन को परचेस करेंगे तो। अब बात कर लेते हैं कैमरा की। कैमरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर आप फोन परचेस कर रहे हैं तो Infinix के इस नए फोन में आपको जो कैमरा मिल रहा है वो मिल रहा है 50 MP का AI ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। सो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है जिसमें आपको क्वाड LED फ्लैश का ऑप्शन मिलता है। इससे आपको नाइट फोटोग्राफी में काफी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप फ्लैश के जरिए रात को भी अच्छी फोटोज ले सकते हैं। रियर कैमरा से ये फोन 9216x6912 पिक्सल्स पर इमेजेस क्लिक करता है जो कि काफी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स देता है। इस फोन में आप 30 फ्रेम पर सेकंड पर मैक्सिमम 2K क्वालिटीज में वीडियो शूट कर सकते हैं। कैमरा में पोर्ट्रेट मोड, सुपर नाइट मोड और इनके अलावा शॉर्ट वीडियो, स्लो मोशन, पनोरमा, डॉक्यूमेंट्स, टाइम लैप्स, एयर शॉर्ट फिल्म जैसे कई और भी इंटरेस्टिंग फीचर आपको मिल जाते हैं वीडियो शूट करने के लिए। फ्रंट कैमरा की बात करो तो इस फोन में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, वो भी डुअल LED फ्लैश के साथ। फोटोग्राफी लवर के लिए ये
एक फोन बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है, क्योंकि इसमें जो कैमरा मिल रहा है आपको फ्रंट और बैक कैमरा वो काफी बढ़िया मिल रहा है, यानी काफी पावरफुल और अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ मिल रहा है, जो कि आप एंजॉय कर सकते हैं फोटोग्राफी इस फोन के जरिए। सो इन्फिनिक्स नोट 12i में आपको अल्ट्रा पावरफुल मीडियाटेक हीलियो G85 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है। द प्रोसेसर फीचर्स आर्म माली G52 GPU क्लॉक्ड अप टू 1 GHz टू कंज्यूम लेस पावर विद एम्प्लीफाइड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग लॉन्ग आवर्स ऑफ यूजेस। गेमिंग के लिए फोन बहुत ही परफेक्ट रहेगा, और इवन आप मल्टीटास्किंग यानी डबल यानी आप एक टाइम में ज्यादा एप्स यूज करते हैं तो भी, तो ये प्रोसेसर आपके इस फंक्शनैलिटी को भी सपोर्ट करेगा। ये फोन आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिल जाता है। रैम को आप 3GB तक और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी इन्फिनिक्स के अभी लॉन्च किए हुए सारे फोन में ऑलमोस्ट आपको एक वर्चुअल रैम मिल जाता है, जो कि आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है। इंटरनल स्टोरेज की भी अगर बात करें तो आपको इसमें SD कार्ड मिल जाता है, हालांकि इसमें आपको 64GB का स्टोरेज मिल रहा है, बट आपको एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए यानी माइक्रो SD कार्ड के लिए यहां पे स्लॉट दिया गया है, जिसकी मदद से आप इसको 512GB तक स्पेंड कर सकते हैं, यानी 512GB की कैपेसिटी आपके इस फोन को मिल जाती है, यानी आपको वीडियो और पिक्चर्स को स्टोर करने के लिए एम्पल स्पेस देता है ये फोन। तो स्टोरेज भी बजट के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है, सो स्टोरेज 512GB प्लस अप टू 7GB रैम, यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये बजट फोन के मुकाबले इस फोन में जो फीचर्स मिल रहे हैं आपको काफी इंटरेस्टिंग मिल रहे हैं। दोस्तों ये फोन गेमिंग फ्रेंडली ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आता है, और एक स्ट्रॉन्ग GPU का भी सपोर्ट इसमें आपको मिल जाता है, तो गेमर्स के लिए ये फोन एक अच्छा कंपेनियन होने वाला है। तो हमने भी इस फोन पर गेमिंग टेस्ट किया और हमारा गेम प्ले एक्सपीरियंस भी काफी स्मूथ रहा, और हीटिंग और लैगिंग जैसा इशू देखने को उस लेवल पे हमें नहीं मिला। तो अगर आप एक गेमिंग एंथुसियास्ट है और आपका बजट भी 10,000 के अंदर है, तो डेफिनेटली ये फोन आपका ऑप्शन हो सकता है, कंप्लीटली आपका कॉल है अगर आपको ये फोन का डिजाइनिंग प्राइसिंग एंड एवरीथिंग पसंद आएगा तो। अब बात करते हैं बैटरी। बैटरी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर। आपके पूरे दिन की कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, वो भी 33W के फास्ट चार्जिंग ऑप्शन के साथ, यानी आपको एक तो पावरफुल बैटरी मिल रहा है और फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आ रहा है, यानी अगर बैटरी कम भी होता है तो इस फास्ट चार्जिंग की मदद से आप बैटरी तुरंत चार्ज कर सकते हैं। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट से ये फोन 90 मिनट में ही 100% चार्ज हो जाता है, तो आपको ज्यादा टाइम चार्जिंग के लिए देने की जरूरत नहीं होगी। यानी जनरली ये देखा गया है कि बजट फोन में चार्जिंग का हमेशा इशू रहता है, फास्ट चार्जिंग नहीं दिया जाता है। 18W जैसे चार्जर मिलते हैं, बट इसमें आपको 33W का चार्जर मिल रहा है, जो आपका टाइम सेव कर रहा है और आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। इस फोन में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि स्मूथ कनेक्टिविटी आपको इंश्योर करेगी। नोट 12i XOS 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है, जो कि एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड है। इस फोन का UI है वो भी काफी इंप्रूव लग रहा है, यानी जो पिछले वर्जन के फोन थे नोट सीरीज में उससे काफी अच्छा UI इसका डिजाइन किया गया है। इन सब के अलावा इस फोन में आपको जी सेंसर, ई कंपास, एल सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड जायरोस्कोप सेंसर भी मिल जाता है। दोस्तों साइड फिंगरप्रिंट के साथ साथ ये फोन फेस डिटेक्शन भी सपोर्ट करता है, तो आपका फोन बिल्कुल सिक्योर रहेगा। यानी बजट फोन में आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी और फेस सिक्योरिटी, विच इज वेरी गुड इन दिस काइंड ऑफ फोन। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइसिंग एंड इसकी अवेलेबिलिटी की। तो फोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, आप इसको परचेस कर सकते हैं, और फोन का जो प्राइस रखा गया है, क्योंकि ये एक ही वेरिएंट में आ रहा है, लेकिन अभी जो इसकी प्राइस रखी गई है वो है 9,999 रुपए। सो आपने देखा कि जियो के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर आया है, तो अगर आप जियो सिम होल्डर हैं या फिर जियो सिम यूज करना चाहते हैं, तो आपका इच एंड एवरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स कि कैसे इस कैशबैक को क्लेम करना है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसे चेक करके आप इसको फॉलो कर सकते हैं और 1,000 रुपए का कैशबैक इमीडिएट ले सकते हैं। अब टाइम है हमारे ऑनेस्ट रिव्यू का, तो दोस्तों ये फोन अंडर 10 के प्राइस कैटेगरी में रियली एक दमदार ऑप्शन हो सकता है। हमारे अपने रिव्यू में इस फोन को हमने हर तरीके से यूज किया, गेम खेल के देखा, पिक्चर्स क्लिक करें, और ओवरऑल हम इससे काफी सेटिस्फाई हैं। तो दोस्तों हम इस फोन को देते हैं 4-स्टार रेटिंग आउट ऑफ 5। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा आज का वीडियो, जो कि इन्फिनिक्स के नोट 12i पे बेस्ड था, वो आपको पसंद आया होगा। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके दोस्तों में, आपके परिवार में कोई ना कोई अगर गेमर्स है या कम बजट पे अच्छा फोन ढूंढना चाह रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए ही बनाया गया है। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं अगर इस फोन से रिलेटेड कोई भी और जानकारी जो हमने
मिस कर दी है और आप जानना चाहते हैं तो हमसे जरूर पूछ सकते हैं कमेंट करके। और आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे वाले आने वाले हर अगला वीडियो जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। टेक वर्ल्ड से जुड़ी हर न्यूज पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.digitalterminal.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।